तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कंप्यूटर और हार्डवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट के टाइप्स, उनके अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस, और यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कंप्यूटर और हार्डवेयर के बारे में और भी नए वीडियो बना पहले से मैंने वीडियो बना कर रखा हूँ यहाँ पर। तो जैसे जैसे वीडियो बनती जाएगी मैं आपको अपलोड करता जाऊँगा। तो ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये नया वीडियो है, जहाँ हम सीखेंगे कि हार्डवेयर के कितने पार्ट्स है, डिवाइसेस कितने हैं। तो मैंने आपको कहा था कि पिछले टाइप के आप मैंने आपको वीडियो ना देखे तो भी पिछली वीडियो आप देख ले, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको समझाया, उसके अंदर आपको समझाया है मैंने कि डिवाइसेस कितने टाइप के होते, क्या होता है डिवाइसेस और कितने टाइप के डिवाइस होते हैं। यहाँ पर आज हम सीखने जा रहे हैं कि हार्डवेयर के पार्ट्स क्या होते हैं। तो हार्डवेयर का मतलब होता है कि हमारे जितने भी भाग होते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के, कितने पार्ट्स होते हैं यहाँ पर, उनके बिना हमारा कंप्यूटर ठीक तरह से काम नहीं करता। कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे फिर वो छोटा सा यहाँ पर कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उसी तरह से हमारा मोबाइल भी होता है यहाँ पर। तो अभी तो हम मोबाइल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग कोई भी हमारा कंप्यूटर हो, चाहे सर्वर हो, चाहे लोकल कंप्यूटर हो, चाहे बड़ा से बड़ा कंप्यूटर क्यों ना हो, ये बेसिकली यहाँ पर जो पार्ट्स होते हैं उनके बिना कोई भी आप यहाँ पर कंप्यूटर चला नहीं सकते। तो चले हम स्टार्ट करते हैं क्या होता है हार्डवेयर के पार्ट्स के बारे में। तो देख सकते हो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि कितने इनपुट टाइप होते हैं, कितने आउटपुट टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं यहाँ पर, इनपुट आउटपुट भी देने वाले अलग अलग डिवाइसेस होते हैं यहाँ पर। तो उन डिवाइसेस की का मतलब ये होता है यहाँ पर, लेकिन उस डिवाइस को चलाने के लिए कुछ और भी पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। तो हार्डवेयर के पार्ट्स के अंदर पहला मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि हमारा माउस हो गया। माउस से हम कंट्रोल करते हैं हमारे कोई भी हमारी वेबसाइट हो, कोई भी दूसरों की वेबसाइट हो, भी कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर हो, चाहे तो फिर हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। माउस के बिना हम किसी के ऊपर क्लिक नहीं कर सकते। हम फोल्डर बनाते हैं तो भी हम राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं। हम जब क्रिएट करते हैं फोल्डर को, तो फोल्डर के साथ साथ हम उसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है। इसको डिलीट करने के लिए भी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कि। तो ये माउस होता है यहाँ पर, माउस से कंट्रोल होता है यहाँ पर। माउस कितने टाइप के होते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पर माउस का बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर माउस जो है इनपुट डिवाइसेस है, यहाँ पर वो सिर्फ इनपुट देता है कंप्यूटर को, सिर्फ यहाँ पर इनपुट देता है कि मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, वो आउटपुट नहीं देता है। माउस इनपुट डिवाइस है, ओके। दूसरा जो है हमारा कीबोर्ड, तो कीबोर्ड भी एक तरह के यहाँ पर कंट्रोल करने का यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर पार्ट्स है हमारा हार्डवेयर का। तो आपको पता ही होगा कि कीबोर्ड क्या काम करता है। कीबोर्ड का काम होता है कि जो भी हम लेटर टाइप करते हैं, कोई भी लेटर हम टाइप करते हैं, तो जब हमें लेटर टाइप करना होता है तो बेसिकली क्या होता है कि हमें उस लेटर को एग्जैक्टली कोई प्रोग्राम ओपन करना पड़ता है, तब जाकर वो लेटर टाइप होता है यहाँ पर। जैसे कि नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, और भी यहाँ पर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर, और भी यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं किसके ऊपर काम करते हैं, हमारे मेन बेस हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सॉफ्टवेयर आता है। तो आपके पास कीबोर्ड होगा तभी आप यहाँ पर एंटर कर पाओगे, लेटर वगैरह कुछ भी लिखना है, मैसेज टाइप करना है, तो कीबोर्ड के बिना आप कुछ भी यहाँ पर लिख नहीं पाओगे, ओके। तो यहाँ पर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, सिर्फ कीबोर्ड से हम लेटर टाइप करते हैं। कंप्यूटर समझता है कि यहाँ पर एक, कंप्यूटर ये नहीं समझता है कि ए की दबी है, बी की दबी है, एच दबाई है आपने की, या फिर वी या स्पेस दबाए। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर पहले से ही कंप्यूटर के अंदर, आप जब भी आप बायोस में जाओगे यहाँ पर, तो बायोस के अंदर यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर फीचर्स होते हैं यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर। तो इसी उसी तरह से इन यहाँ पर जो आप लैंग्वेज देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कीबोर्ड जो है वो आपने पिछले कुछ यहाँ पर पुराने टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि जो कीबोर्ड होता है वो बना है हमारे टाइप राइटर के ऊपर से। तो जो की होती है हमारा कंप्यूटर, जो हम वन दबाते हैं तो फिर टैब दबाते हैं, स्पेस बटन दबाते हैं, यू दबाते हैं, तो वो कंप्यूटर ये नहीं समझता है कि आपने यू दबाया है या वी दबाया है या टी दबाया है। कंप्यूटर किस तरह समझता है, बाइनरी लैंग्वेज से समझता है, और हर की के ऊपर उसका कोड होता है, बाइनरी कोड होता है।
उसी तरह से यहाँ पर एक कीबोर्ड काम करता है। तो बेसिकली ये जो कीबोर्ड की प्रोसेस होती है यहाँ पर लैंग्वेज समझने की, बहुत ही मिनी सेकंड के अंदर यहाँ पर हमारा जो सीपीयू जो होता है वो समझ लेता है यहाँ पर। तो सीपीयू से हमारा पता चल जाता है कि कीबोर्ड जो है यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर ये बटन दबा रहा है यहाँ पर। तो जैसे तो यहाँ पर हमारा तीसरा जो हार्डवेयर का पार्ट है मॉनिटर है। तो मॉनिटर का काम यही होता है कि जो भी हम काम कर रहे प्रोसेस कर रहे उसको बताना दिखाना हमें कि क्या होता है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया तो हम देखते हैं डिस्प्ले के ऊपर, अगर आप डिस्प्ले भी निकाल दोगे तो भी आपका कंप्यूटर चलता रहेगा यहाँ पर। लेकिन आपको कंट्रोल करने के लिए भी आपकी मॉनिटर जो है वो आपकी यहाँ पर बेसिकली आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए, डेटा को शो करने के लिए ये मॉनिटर होते हैं यहाँ पर। तो जब तक मॉनिटर नहीं होगा तब तक आप कंप्यूटर भी आप चला नहीं पाओगे। तो ये मॉनिटर भी इम्पोर्टेंट हार्डवेयर का पार्ट होता है यहाँ पर। तो बेसिकली जो जनरल पर्पस जो आप सर्वर होते हैं यहाँ पर, सर्वर को किस तरह से, सर्वर के ऊपर ज़्यादातर मॉनिटर नहीं होते। पहले सर्वर के ऊपर मॉनिटर क्यों नहीं होते, क्योंकि बेसिकली जो शुरुआत में जो मॉनिटर होता है यहाँ पर सर्वर के अंदर, उसको पहले सर्वर को क्या करा जाता है यहाँ पर, ठीक तरह से बनाया जाता है यहाँ पर सर्वर को। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते जो भी उनको सेटिंग्स करनी है, जो भी हम उनको फंक्शन जो भी यहाँ पर फीचर ऐड करना होता है सर्वर के अंदर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। और बेसिकली फिर बाद में उसको डेडिकेटेड सर्वर बनाने के बाद उसका जो मॉनिटर है वो निकाल दिया जाता है यहाँ पर। तो सर्वर तो चलता रहेगा जब तक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब तक वो मॉनिटर अटैच करके वो देखेगा नहीं। तो वैसे सर्वर बहुत सारे जो होते हैं यहाँ पर, बहुत आप देख सकते हो गूगल फेसबुक के सर्वर बहुत सारे होते हैं यहाँ पर। तो हर सर्वर के पीछे वो मॉनिटर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है कि जितने सर्वर होंगे, गूगल के अंदर हज़ारों सर्वर यूज़ होते हैं यहाँ पर, तो वो हज़ार मॉनिटर लाने पड़ेंगे इसके लिए। तो ऐसा ना हो तो ये डेडिकेटेड यहाँ पर सर्वर होता है यहाँ पर, और जो भी उनको मेंटेन करना हो सर्वर को तो वो रिमोट एक्सेस से यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये मॉनिटर होगा यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में। तो रिमोट एक्सेस क्या होता है, मैंने आपको कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में आप मैं कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल की जो मैंने वीडियो में समझाया था आपको, तो वो आपको वीडियो देखनी है तो आपको कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, और रिमोट ऐप एंड डेस्कटॉप कनेक्शन की वीडियो देखनी होगी आपको। तो क्या होता है यहाँ पर, फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीपीयू ही हमारा मेन बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन है, ब्रेन कह सकते हो यहाँ पर। जब तक आपका सीपीयू जो आपका दिमाग जो होता है उसी तरह से सीपीयू का दिमाग, यहाँ पर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है यहाँ पर। आपने इंटेल कंपनी का नाम सुना होगा, आपने एएमडी कंपनी का नाम सुना होगा। ये सीपीयू एक ऐसी चिप है, उसके अंदर पहले से ही बाइनरी कोड के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर फंक्शंस वगैरह ऐड किए जाते हैं। जो भी हमारा सीपीयू जो होता है, हम कोई भी कोडिंग करते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, या तो फिर कोई भी हम लेटर टाइप करते हैं, कोई भी मैसेज टाइप करता है, तो उसकी बाइनरी लैंग्वेज, उसकी एल्गोरिथम के अनुसार यहाँ पर सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका प्रोसेस ही काम करना होता है कि जो यूजर ने एंटर किया है क्या उसकी अकॉर्डिंग किया है। यहाँ पर कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो सीपीयू ही समझता है, और सीपीयू उस डेटा को ट्रांसफर करता है रैम के ऊपर, और रैम जो है सीधा आपके मॉनिटर पर ट्रांसफर नहीं करता है। वो इनपुट आउटपुट किस जगह पर देना है, किस तरह से समझता है, वो भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन सीपीयू जो है वो बेसिकली यहाँ पर उसके साथ L1 L2 कैश मेमोरी होती है। सीपीयू के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसके लिए भी मैं बहुत सारी अलग अलग सीरीज लेकर आऊँगा यहाँ पर। सीपीयू की किस तरह से पहचानना है आपको, किस तरह से उसकी नॉच जो होती है पहचानना है, कितने टाइप के सीपीयू आते हैं यहाँ पर, कौन से बीट के आते हैं। तो नॉर्मली जो है यहाँ पर पुराने टाइम के जो सीपीयू होते थे वो 32 बिट के अंदर यूज होते थे, लेकिन आज के टाइम के अंदर 64 बिट के भी सीपीयू आ गए। और सर्वर के अंदर तो सीपीयू आपको यूज़ करना है तो 64 बिट के अलावा कोई भी आपके पास सीपीयू नहीं होगा। तो सीपीयू जो होता है वो बीट पर काम करता है। मैंने आपको कहा था कि हमारा जो बाइनरी लैंग्वेज होता है वो बीट वाइज होता है यहाँ पर। तो 0 और 1 यही दो नंबर होते हैं यहाँ पर। हर बीट के अंदर यहाँ पर 0101 लिखा होता है यहाँ पर। तो सीपीयू का काम ही यही होता है यहाँ पर कि बाइनरी कोड के थ्रू ही समझता है आपको, डेटा को शो करता है यहाँ पर। कोई भी आप यहाँ पर मैसेज किसी को लिखती है तो सीपीयू क्या करता है उस मैसेज को आपको बताने के लिए वो अपने बाइनरी कोड के थ्रू आपको बताता है यहाँ पर, समझाता है। और रैम का काम यही होता है कि जो सीपीयू प्रोसेस कर रहा है वो रैंडम एक्सेस करती जाए,
जो भी आपको सीपीयू जो काम करता है यहाँ पर, रैम भी उतनी ही पावरफुल होनी चाहिए, तभी आपका सीपीयू और रैम के साथ साथ यहाँ पर आपका मदरबोर्ड भी पावरफुल होना चाहिए, साथ ही साथ हार्ड डिस्क भी पावरफुल होनी चाहिए। तो हार्ड डिस्क क्या होती है वो भी मैं समझाता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो की कुछ वीडियो के अंदर। फिर हमारा मदरबोर्ड होता है, सीपीयू की बात मैंने आपको कही थी, सीपीयू जो आपका ब्रेन है तो मदरबोर्ड आपकी बॉडी है। यहाँ पर मदरबोर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो होता है हमारा, वो हमारा मदरबोर्ड होता है। सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं उसको, मेन बोर्ड भी कहते हैं। यहाँ पर हर कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता ही है। कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पर यूज करते हो डिवाइसेस, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, चाहे फिर आपका कोई भी यहाँ पर सीपीयू, चाहे वो सर्वर हो, चाहे कोई भी आपका छोटे से छोटा भी आपका यहाँ पर कंप्यूटर हो, उसका जो मेन बोर्ड होता है मदरबोर्ड होता है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होती है उसकी कुछ ना कुछ छोटी सी उसकी चिप होती है, या तो फिर उसकी आईसी, या तो उसकी पीसीबी होती है। यहाँ पर पीसीबी का मतलब होता है कि यहाँ पर एक तरह की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर बोर्ड होता है जो हर एक यहाँ पर अलग अलग उसके ऊपर कॉम्पोनेंट लगे होते हैं। यहाँ पर तो मदरबोर्ड के ऊपर भी अलग अलग कॉम्पोनेंट होते हैं। यहाँ पर ब्रिज होता है, यहाँ पर साउथ ब्रिज होता है, यहाँ पर सीपीयू सॉकेट होता है, यहाँ पर रैम सॉकेट होते हैं, यहाँ पर पीसीआई स्लॉट होते हैं, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सिम, यहाँ पर जैसे कि ट्रांजिस्टर, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर रजिस्टर्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर तो वो छोटे छोटे माइक्रो यहाँ पर असेंबली टाइप की यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन करके किस जगह पर किस तरह से डायरेक्शन के अंदर डेटा जाएंगे ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर वो इंजीनियर डिसाइड करते हैं, यहाँ पर मदरबोर्ड जो बनते हैं मदरबोर्ड डिजाइनर करते हैं। यहाँ पर सीपीयू जो होता है, सीपीयू कितना पावरफुल होना चाहिए, उसके डेटा कितने टाइप के होने चाहिए, उसके डेटा की ट्रांसफर रेट कौन सी होनी चाहिए, कहाँ पर ज़्यादातर सीपीयू को लोड पड़ रहा है तो उसको किस तरह से ठीक करना है, तो ये मदरबोर्ड के ऊपर होता है। यहाँ पर सीपीयू जो लगता है मदरबोर्ड के ऊपर होता है। यहाँ पर मदरबोर्ड के बिना सीपीयू काम नहीं करेगा, सीपीयू के बिना मदरबोर्ड काम नहीं करेगा, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीपीयू जो है वो आपका कंप्यूटर का मेन ब्रेन है, तो मदरबोर्ड आपकी बॉडी है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो जब तक आपका मदरबोर्ड सीपीयू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पर उसी के साथ ये भी उसके साथ और भी यहाँ पर मेन चीज़ है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यहाँ पर दो टाइप की होती हैं, यहाँ पर इंटरनल हार्ड डिस्क होती है और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। यहाँ पर हार्ड डिस्क के टाइप कितने होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा कुछ वीडियो के अंदर, लेकिन हार्ड डिस्क एक ऐसा डिवाइसेस है यहाँ पर जो आपको परमानेंटली डेटा सेव करने के लिए होता है। यहाँ पर परमानेंटली डेटा मतलब कि आपको कोई अपने मैसेज लिखा है कोई नोटपैड के अंदर, आपने कोई फाइल सेव की है यहाँ पर, तो वो फाइल कहाँ पर सेव होती है, हार्ड डिस्क के अंदर सेव होती है। जब तक आपका सीपीयू, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क, रैम वगैरह ठीक है तो आपका कंप्यूटर ठीक तरह से चलता रहेगा, लेकिन इन सभी चीज़ों में से कोई एक चीज़ खराब हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो आपके जितने भी डेटा है, जितने भी अपने फाइल्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह आपने ऐड किए हैं यहाँ पर और आपने सेव करके रखी है यहाँ पर फाइल्स, अगर वो हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, फेल हो जाती है, तो इसका एक ही काम होता है, यहाँ पर ठीक तरह से आपका डेटा लॉस हो जाएगा। रिकवर करते तो भी यहाँ पर 100% तो रिकवर नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप हार्ड डिस्क की किस तरह की यहाँ पर ट्रिक होती है वो भी बताऊंगा, लेकिन हार्ड डिस्क का काम होता है यहाँ पर कि डेटा को सेव करना, वो भी परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है कि जब भी आप उसके अंदर स्टार्ट करोगे कंप्यूटर को तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, आपका डेटा मिल जाएगा, आपका सिफारिश मिल जाएगी आपको। और आपकी यहाँ पर रैम यहाँ पर होती है, रैम क्या होती है, तो रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यहाँ पर रैम का काम होता है कि जो हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा है वो उसको जल्द से जल्द वो निकाल कर सीपीयू को भेजे, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि एंड्रॉयड के अंदर रैम कितनी है, यहाँ पर कितना यहाँ पर प्रोसेसर है यहाँ पर, तो रैम का क्या काम होता है, ये रैम जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिवाइसेस होती है। यहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा होते हैं वो सीधा रैम के ऊपर आते हैं यहाँ पर, और रैम जो होती है जितना भी उसका डेटा होता है फटाफट वो सीपीयू को प्रोसेस करता देता है यहाँ पर। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम होता है कि वो रैंडमली एक्सेस करता जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर समझने की, जितने भी रैम होती है, कितने टाइप की रैम होती है यहाँ पर, वो भी मैं समझाऊंगा। तो हम बारीकी से पढ़ेंगे, हम पहले माउस से स्टार्ट करेंगे, कीबोर्ड से स्टार्ट करेंगे, मॉनिटर से स्टार्ट करेंगे, अलग अलग यहाँ पर सिस्टम होती है यहाँ पर। तो रैम का काम क्या होता है कि बेसिकली जो आपका हार्ड डिस्क के साथ जो होता है यहाँ पर, वो उसके साथ भी प्रोसेस करता है यहाँ पर, सीपीयू के साथ भी प्रोसेस करता है यहाँ पर, और मदरबोर्ड के ऊपर भी प्रोसेस करता है। बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। और रैम का एक दूसरा भी और मेन चीज़ होती है यहाँ पर,
आपके सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हो, जो आप सॉफ्टवेयर ऐड करते हो आपके कंप्यूटर के अंदर, वो रैम पर ही इंस्टॉल होते हैं। यहाँ पर जितनी रैम हो ज़्यादा होगी उतना आपका कंप्यूटर के अंदर उतना आपका रैम के साथ ज़्यादा अच्छा स्पेस होगा, तो आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाओगे। ओके, तो रैम की बात हो गई यहाँ पर। और भी यहाँ पर केबल्स जिसे हम वायर्स कहते हैं यहाँ पर, तो जितने भी हमारे जो केबल्स होते हैं पावर केबल होते हैं यहाँ पर, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर केबल अलग अलग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के केबल्स होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी हमारे केबल्स होते हैं जैसे कि साटा केबल है, पाटा केबल है, यहाँ पर सीपीयू फैन के लिए केबल है, तो अलग अलग यहाँ पर केबल्स होते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कैबिनेट होता है यहाँ पर। तो कैबिनेट क्या होता है यहाँ पर, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कैबिनेट के साथ साथ हमारा एक और हमारा पार्ट्स है यहाँ पर, तो SMPS है यहाँ पर। तो SMPS क्या होता है, पावर देने का काम करता है यहाँ पर हमारा कंप्यूटर को। तो SMPS का भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर बता दिया था। तो SMPS भी ये हार्डवेयर का पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो अभी कैबिनेट क्या होता है, कि कैबिनेट का काम होता है कि इतने सारे कंपोनेंट्स को सेफली एक ही जगह पर एक तरह के डिजाइन के साथ एक सिस्टम के साथ यहाँ पर रखना, ये काम होता है कैबिनेट का काम होता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कैमरा, माइक्रोफोन और भी यहाँ पर हार्डवेयर के वो पार्ट्स होते हैं यहाँ पर, आपको पता ही होगा। ओके, तो जो भी हम सिस्टम जो स्टार्ट करते हैं तब हमारा SMPS जो होता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर SMPS ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने पहले ही आपको वीडियो के अंदर बता दिया था यहाँ पर। तो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, केबल्स, कैबिनेट और भी बहुत सारे यहाँ पर हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। तो हार्डवेयर का काम होता है यहाँ पर कि बेसिकली जितना भी यहाँ पर उसकी जो बनाया गया है डिवाइस, जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम यूज होते होंगे, उन जितने भी प्रोग्राम यूज होते हैं उन सभी का काम होता है यहाँ पर एक ही साथ काम करना। जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, इंटरनल का काम है कंट्रोल करना, CPU है प्रोसेस करना, मदरबोर्ड इसकी जो प्रोसेस हो रही है उसकी डेटा कहाँ पर ट्रांसफर करना, सभी कुछ हार्ड डिस्क है उसको स्टोर करना, रैम जो होती है उसकी रैंडम एक्सेस के साथ उसको डेटा भेजना, एक्सेस करना, फिर भेजना, फिर एक्सेस करना, वही काम होता है यहाँ पर। केबल जो होते हैं उसके वायर्स के थ्रू यहाँ पर किस जगह पर डेटा जाएंगे, किस जगह पर यहाँ पर पावर जाएगी, पावर कितने टाइप की होती है वो भी मैं समझाऊंगा यहाँ पर। कैबिनेट कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर, कैमरा, माइक्रोफोन कितने टाइप होते हैं यहाँ पर वो भी समझाऊंगा आपको। तो जिसके यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस हैं यहाँ पर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर डिवाइस के टाइप्स के अंदर कि पहला जो होता है इनपुट डिवाइस, तो मैंने आपको समझाया था इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो पिछली वीडियो आप देख ले तभी ये बिल्कुल वीडियो समझ में आएगी। फिर दूसरा होता है यहाँ पर आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, किस तरह की होती है यहाँ पर। और तीसरा जो होता है दोनों काम करता है, इनपुट भी करता है आउटपुट भी, दोनों काम करता है यहाँ पर, आउटपुट भी करता है और इनपुट भी करता है। तो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, तो मैंने आपको समझाया था कि इनपुट और आउटपुट एक तरह के यहाँ पर सिग्नल का काम करता है यहाँ पर। तो एक तरह का एक इनपुट होता है जहाँ पर आप सिग्नल को भेजते हो, आउटपुट मतलब अंदर से ही सिग्नल बाहर आता है यहाँ पर। तो कोई भी इनपुट हो, आउटपुट डिवाइस से जो भी हो, आप उस पिछली वीडियो को आप देख ले कि इनपुट टाइप्स क्या होते हैं, डिवाइस के टाइप्स, आउटपुट इनपुट क्या है, जैसे ही आप उस वीडियो को देख लोगे तो इन सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्डवेयर के अंदर जितने भी पार्ट्स है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे नेटवर्क की डिवाइसेस की। ओके, फिर नेटवर्क की हम बात करेंगे, नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर देखते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर नेटवर्क के अंदर भी आपको बताएगा यहाँ पर कि नेटवर्क के अंदर कितने टाइप की यहाँ पर डिवाइसेस होती है। तो नेटवर्क के अंदर भी डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, और नेटवर्क किस तरह से काम करता है वो हम नेटवर्क की जब हम वीडियो बनाएंगे, नेटवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे, तब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि माउस के बारे में, माउस कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर, उसका क्या काम होता है, माउस किस तरह से काम करता है यहाँ पर, वो भी हम सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉन्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउजर वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है,
तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखिए, तब तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको चैनल पर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।